खरगोन जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवाई पिलाई जाएगी। इस कड़ी में आज बूथों पर दवाई पिलाई, जहां लोगों में बच्चों को दवाई पिलाने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय चलने वाले इस अभियान में आगामी 2 दिन तक घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। हम आपको बता दें कि जिले भर में 2,66,000 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 2,248 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 222 सुपरवाइजर, 132 ट्रांजिट टीम और 64 मोबाइल टीमों का गठन किया गया। इस दौरान डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि जिले भर को पोलियो मुक्त करने के लिए शासन की मंशा को अमली जामा पहनाने का सतत प्रयास कर रहे हैं और अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वैसे टोटल अपने जिले का 2,66,000 के करीब हैं बच्चे जो जिनको सर करना है, 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो का देना है। कितने केंद्र बनाए गए थे इसके लिए? ऐसे टोटल हमने यहाँ 2,248 केंद्र बनाए हैं, मतलब टीम हमारी 2,248 की हैं, सुपरवाइजर हमारे 222 हैं और हमारे ट्रांजिट टीम 132 हैं और हमने जो मोबाइल टीम रखी है वो 60 है। कितने दिन चलेगा सर ये? ये 3 दिन चलेगा, जैसा आपको भी विदित है और आपके माध्यम से भी मैं समाज में ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे आज हम सिर्फ बूथ पे पिलाएंगे और बूथ पे जितने बच्चे आएंगे मैं चाह रहा हूँ कि बूथ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं इन, और हमारा जो टारगेट है बूथ वाला जो 80% से ऊपर हो जाएगा, फिर 20% यदि बच्चे बचते हैं तो फिर हाउस टू हाउस रहेगा 19 और 20 को। घरों घर भी पिलाएंगे सर? हाँ बिल्कुल, घरों घर होगा, 19 और 20 को हम घरों घर जाएंगे, कल और परसों, आज हमने बूथ पर ही रखा है सर। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर संजय भट्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।